Hello guys, welcome to Tech Awesomeness. This video is an answer key to maths section of CTET paper 2. So let's start. So question number 31 here is, the total surface area of cuboid is 194 meter square. If its length is 8 meter and breadth is 6 meter, then what is the volume in meter square? Very easy question. How will we solve this question? We know that the total surface area is 2 into LB plus BH plus HL equals to 194. Length hume kitni given hai? Length is 8 and breadth is 6. 6 into H plus H into 8 is equals to 194. Hum isko solve karenge. Hamare paas height kitni aane wali hai? That is 49 by 14 or 7 by 2. हमें फाइंड करना है उसका वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L into B into H. लेंथ 8 है, 8 है, ब्रेथ 6 है और हाइट 7 by 2 है. इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर कितना आएगा? 168. सो ऑप्शन 2 168 इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाइट दे रखी है. सी ट्रेपेजियम ऐसा होता है, ये उसकी हाइट. हमें जो शॉर्टर साइड है हम उसको एक्सलेट कर लेते हैं एंड दे आर सेइंग दैट लॉन्गर वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6. जो दूसरी साइड है वो 6 बड़ी है, मतलब कि 6 सेंटीमीटर हम ऐड कर देंगे उसमें. हमारे पास क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. सो हाफ इंटू साइड्स क्या हैं? एक एक्स है, दूसरी एक्स प्लस सिक्स है और हमें हाइट कितनी दे रखी है? हाइट दे रखी है 7 और हमें एरिया कितना दे रखा है? 105. हम इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करते हैं इसको. 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 7 डिवाइड हो गया तो 2x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 6 एक्स इज इक्वल्स टू 24 बाई 2. एक्स कितना आ गया? 12. ठीक है, तो 12 हम यहाँ पे पुट करेंगे. तुम्हारी शॉर्टर साइड क्या आ गई? 12 और लॉन्ग क्या आ गई? 12 प्लस 6 दैट इज 18. हमसे उन्होंने क्या पूछा है? दे आर आस्किंग द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, मतलब कि आंसर क्या हो गया? 18. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस इज 3 सेंटीमीटर इज दिस. हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का. सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया CSA कितना होता है हमारे पास? पाई 2πRH. ठीक है, हमें वो कितना दे रखा है? 94.2. पाई की वैल्यू 3.14 पुट करते हैं, डेसिमल में है, थोड़ी कटिंग इजी रहेगी. रेडियस हमने क्या पुट करा? 3. हमें हाइट अभी नहीं पता, पहले हम हाइट फाइंड करेंगे. हाइट यहाँ से 94.2 नीचे आया, 2 इंटू 3.14, यहाँ से हाइट आएगी 15. देन दे आर आस्किंग द वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पुट कर देंगे सारी वैल्यूज. पाई की 22/7, रेडियस है 3, स्क्वायर 9, हाइट है 15. इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आंसर आने वाला है? 141.3. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स इज एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. हम अगर एक्स को ऐड करें सब में तो हमारे पास ये नंबर क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे प्रोपोर्शन में. प्रोपोर्शन में आने का मतलब क्या है? कि सम ऑफ मीन्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम्स, वी ऑल नो दैट. तो मतलब पहले तो हम इसमें एक्स ऐड करते हैं, 14 प्लस एक्स. सेकेंड नंबर क्या बना? 12 प्लस एक्स. फिर क्या बना? 34 प्लस एक्स. फिर 30 प्लस एक्स. ये हमारे पास क्या है? एक्सट्रीम्स हैं. इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम्स क्या होता है? इक्वल होता है प्रोडक्ट. तो इनका प्रोडक्ट मैंने क्या रख दिया? इक्वल रख दिया. इसको सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? हमारे पास एक्स कितना आएगा? 6 आ रहा है एक्स इसको सॉल्व करने पे. और वो हम पुट कर देंगे इसमें अंडर रूट ऑफ 12x प्लस 9 में. तो 72 प्लस 9 81 का अंडर रूट कितना होता है? 9. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ट्रू पूछ रहे हैं. ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलीगन है, उसकी हमारे पास n साइड्स हैं, तो उसकी n ही क्या होती हैं? लाइंस ऑफ सिमेट्री. ठीक है, तो हमारे पास इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 10 साइड्स हैं, 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, वी ऑल नो दिस.
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमें देखना है कि वो एक्स की वैल्यू इनमें से किस में सेटिस्फाई करती है। तो इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 10x + 6 + 8x - 3 = 5 × 5x - 4। 10x + 60 + 8x - 25x - 20, यहाँ पे x आएगा 18x, 18x + 36 बना, यहाँ पे 25x - 20, इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। और आप इनमें पुट करके देखें, थर्ड ऑप्शन में पुट करके देखते हैं, थर्ड में अगर मैं x को 8 पुट करती हूँ तो क्या मेरे पास दोनों साइड्स इक्वल बन रही हैं, तो 5 8 - 5 3 2 5 + 5 15 = 10 + 5 15। तो हमारे पास ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस, हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास ये आ जाए, ये भी क्वेश्चन इजी था। फ्रॉम वाली चीज़ को हम पहले रखते हैं, तो 5y - 13x - 8a, इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, मतलब कि मैं मान लूँ कि मैं माइनस ए सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 11x - 16y + 7a आना चाहिए। तो ऑब्वियसली एक उधर लेके जाएंगे वो प्लस हो जाएगा और ये सारे नंबर जाके क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, 5y + 16 ये उधर के प्लस हो गया, -13x इधर के क्या हो गया, -11y, -8a इधर के क्या हो गया, -7a = A। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, 21y - 24x - 15a = A। सो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड थी ये हमारी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पैडागॉजी है, पैडागॉजी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो ये क्वेश्चन है इसके जो सारे ऑप्शंस हैं आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग वो गलत लग रहे हैं मेरे को, तो इसको हम फिर कभी डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईजी है, हमें फ्रैक्शंस दे रखी हैं, उनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, वो हम कैसे करेंगे, इन सबको डिवाइड करा तो हमारे पास नंबर्स क्या बन रहे थे, 0.89, इसको डिवाइड करने पा रहा है 0.86, 0.88 और 0.82, हमें लगाना है डिक्रीजिंग, मतलब कि बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर 0.89, 1 2 3 4 हमने सीक्वेंस दिया, हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 ये सही आ रही है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है, तो हमें पता है कि जो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते, तो हमारे पास जो ये ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है, हमें पता है कि एचसीएफ में हमेशा हम क्या लेते हैं, हमेशा प्राइम नंबर की लीस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ पे लीस्ट पावर क्या आ रही है, यहाँ पे लीस्ट पावर 2 की आ रही है 2, और यहाँ पे आ रही है 3 की भी 2 आ रही है और 5 की भी 2 पर आ रही है लीस्ट पावर। देखिए यहाँ पे ये आ रही है 2 का स्केयर, ये आ रही है 3 का स्केयर, ये आ रही है 5 का स्केयर और 7 की लीस्ट पावर तो आ रही है 3, तो हमारे पास ये बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7 क्यूब तो ऐसे रखा हुआ है इन्होंने, उसके इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15 × 30 का स्केयर इंटू 7 का क्यूब, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 क्या बन रही है, बिल्कुल सही बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये भी क्वेश्चन इजी है, इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी 5 2 × 7 2 की, जो कि हमने की, हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है कि 2 की पावर, हमारे पास बन रहा है 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 का क्यूब सॉरी मल्टीप्लाई 3 क्यूब हमारे बन रहा है 11 का स्केयर बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो पी है वो क्या हो गया 11, क्यू क्या हो गया हमारे पास 3 और आर क्या हो गया हमारे पास 4, यहाँ पे पुट करने पे आंसर कितना आ रहा है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, इफ़ द 7-डिजिट नंबर नंबर है 1 3 4 x 5 8 y और वो डिविजिबल किससे बोल रहे हैं हमें 72 से, तो और कह रहे हैं कि वैल्यू फाइंड करो 2x + y की, इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास नंबर क्या है, नंबर है 1 3 4 x 5 8 y, डिविजिबल कह रहा है 72 से, 72 के फैक्टर्स बना लेते हैं पहले, जो कि क्या बन रहे हैं, नाइन
और 8, ठीक है। तो हमें अब इसके ऊपर हम लगाएंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 का भी और 8 का भी। 8 का क्या होता है कि जो हमारे लास्ट 3 नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए 8 से। तो मतलब कि 584 है, सॉरी 58y जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 8 से। तो y की वैल्यूज पुट करके देखते हैं किससे आ रहा है। तो अगर हम y को 4 पुट करते हैं, y को 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 584। ये परफेक्टली डिवाइड करता है 8 को। आपको 9 का टेस्ट पता है वो क्या होता है कि सम करते हैं हम सभी नंबर्स का, वो जो उसका सम है वो होना चाहिए डिविजिबल बाय 9। तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस एक्स, वाई कितना है हमारे पास 4 है, तो 4 पुट करते हैं तो 25 प्लस एक्स कितना होना चाहिए हमारे पास डिविजिबल बाय 19। तो अगर हम एक्स को 2 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 27। तो 27 भी होता है हमारे पास डिविजिबल 9 से। तो x कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगी x को 2, हमारे पास क्या हमसे वो पूछ रहे हैं वैल्यू 2x प्लस y की। x को 2 पुट कर देंगे, y को हमें क्या पुट करना है 4। तो 4 प्लस 4 कितना आया, आंसर कितना हुआ हमारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वो बोल रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारा कैसा होता है, 2m, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पे 2m हमारे पास होता है स्मॉलेस्ट नंबर और ये होता है लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। मतलब कि हाइपोटेन्यूज हो गया ये। तो हमें इस क्वेश्चन में ये कंडीशन सेटिस्फाई करके देखनी है कि ये हो रही है नहीं हो रही है। तो जो हमारे पास ऑप्शन 2 है 11, 60, 63, इस ये कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हमारा ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम कोई एंगल को एक्सलेट कर लेते हैं, एंगल को कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 90 माइनस एक्स, और सप्लीमेंट क्या होता है 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो हमें वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो 4 टाइम्स है सप्लीमेंट के। तो मतलब कि 90 माइनस एक्स को अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं वो किसके इक्वल है 180 माइनस एक्स के। तो 360 माइनस 4x किसके इक्वल आया 180 माइनस एक्स के। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं हमारे पास x कितना आने वाला है 60 डिग्री। तो हमारे पास 60 इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आपको डिग्रीज में क्या दे रखे हैं, एंगल्स दे रखे हैं। वो कह रहे हैं कि फाइंड करो कि ये ट्राइंगल कौन सी है। तो हमें एंगल क्या दे रखा है x, फिर दे रखा है 3x प्लस 20, फिर हमें दे रखा है 6x। हमें पता है ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से कि सारे एंगल का सम ट्राइंगल की क्या होता है 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 10x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 180। तो ये क्या हो गया 160, x कितना आ गया हमारे पास 16। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, हमारे फर्स्ट एंगल आ रहा है 16 डिग्री, दूसरा आएगा 68 डिग्री, फिर आएगा 96 डिग्री। अगर हमारे पास कोई भी एक एंगल बड़ा आ गया 90 से तो वो कौन सी होती है ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। तो यहाँ पे 96 डिग्री आ रहा है तो हमारे पास ये ट्राइंगल क्या है, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या रहे हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, हम दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं हम ए बी सी और एक हम क्या ले रहे हैं डी ई एफ। हमें क्या कहते हैं वो कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमें इक्वल दे रखी है, ए सी हमें इसके इक्वल दे रखी है और हमें बी सी हमें ई एफ के इक्वल दे रखी है। तो मतलब एस ए एस, एस ए एस से कॉन्ग्रेंट प्रूफ होती है। तो सी पी सी टी एस की सारी साइड्स क्या हो गई इक्वल, ठीक है। तो मतलब कि हमारी जो ए बी और डी ई है वो भी इक्वल होएगी। तो मैं ए बी को डी ई के इक्वल रख दूंगी तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 4। इसको सॉल्व करने पर x कितना आने वाला है 1। तो हमारे पास 57 का क्वेश्चन पार्ट 4 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर, द अदर इज 10 एंड इट्स पैरामीटर इज पी, वेयर पी इज एन इंटीजर, द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी आर रिस्पेक्टिवली। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। सो इसको देखो हम कैसे करेंगे, हम एक ट्राइंगल दे रखी है, उसकी एक साइड 5 है, एक साइड 10 है, ठीक है, और हम उसकी थर्ड साइड एक्सलेट कर लेते हैं,
ठीक है, तो पहले हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारी 10 है वो क्या है, लार्जेस्ट साइड है। 5 तो बड़ी हो नहीं सकती क्योंकि 5 छोटा है 10 से, तो मान लेते हैं कि जो 10 है वो लार्जेस्ट साइड है। हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी पता है कि जो हमारी लार्जेस्ट साइड होती है वो हमेशा छोटी होती है बाकी दो साइड के सम से। तो हमें पता है कि मतलब कि जो 10 है वो छोटा होगा बाकी दो के सम से, ठीक है। अब इसको देखो, अब हम एक्स को क्या पुट करें कि वो 10 से बड़ा आ जाए। अगर हम 5 पुट करेंगे तब तो इक्वल आ जाएगा, नहीं तो हम 6 पुट करेंगे। हम एक्स को क्या पुट करेंगे, 6 पुट करने पे हमारे पास एक्स जो होगा, एक्स की लीस्ट वैल्यू पुट करेंगे। मतलब हमें पुट तो कुछ भी कर सकते हैं बट हम लीस्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो मतलब कि मैं 6 पुट करती हूँ, मतलब कि मैं एक्स को क्या ले रही हूँ, 6 ले रही हूँ। तो 5 6 10 मेरे पास पैरामीटर कितना आया, 21 आया, ठीक है। ये लीस्ट वैल्यू निकाल दी हमने। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारी एक्स है वो हमारे पास क्या है, हमारी लार्जेस्ट साइड है। तो मतलब क्या है कि x किससे छोटा होएगा, दोनों के सम से, मतलब कि x छोटा होना चाहिए 15 से। तो मतलब कि हम फिर से लीस्ट वैल्यू लेंगे, मतलब कि हम क्या ले सकते हैं, हम 14 ले सकते हैं, ठीक है। तो 14 हमने पैरामीटर लिया, 5 + 15 + 14, हमारे पास आंसर कितना आया, 29। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, 21, ये हमारे पास ऑप्शन जो बन रही है सेकेंड, ये हमारी सही बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें मीडियन फाइंड करना है इन नंबर्स का। पहले तो हम इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो वो अरेंज कैसे करेंगे, 8 9 13 13 14 14 14 14 4 times आ रहा है 15 15 3 times आ रहा है फिर 16 16 17 17, ओके। ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। हमारे पास ये टोटल ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, 15 हैं। तो हमारे पास ऑड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, मतलब कि 16/2, मतलब 8। 8 हमारे पास नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 14 8, ठीक है। तुम्हारे पास मीडियन पहली बार कितना आ रहा है, वो आ रहा है 14। फिर वो हमसे कह रहे हैं कि हमने 8 को रिप्लेस करना है 18 से। यू कैन रीड, इफ़ 8 इज़ रिप्लेस्ड बाय 18 देन द मीडियन ऑफ डाटा इज़ वाई। हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, 18 को 18 की जगह पे हम 18 कर देते हैं, 8 की जगह पे 18 कर देते, तो 18 पीछे आ जाएगा। तो हमारे पास अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा मीडियन कितना आएगा, अब आएगा 15। अब कितना आ जाएगा, 15। हमसे वो पूछ रहे हैं कि बताओ सम क्या होगा, तो इसका सम कितना होगा, 29। इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन सबसे इजी था, वो क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अ बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 ब्लू एंड 5 रेड बॉल्स। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नॉट रेड, हमें प्रोबेबिलिटी नॉट रेड की फाइंड करनी है, मतलब कि वो बॉल वाइट या ब्लू हो सकती है, मतलब 3 + 2 = 5 5, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 10। 5/10 कितना होता है, 1/2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कोई मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ करें। स्टे ट्यून्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।